दोस्तों आज हम अपने YouTube चैनल के लिए प्रोफेशनल बैनर बनाने वाले हैं, जिसे कुछ लोग चैनल आर्ट और चैनल कवर भी कहते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको पिक्सल लैब ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ से जाकर भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है और लेफ्ट साइड में जो डिलीट का बटन है इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है, इसको डिलीट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट दिखाई दे रहे हैं, इन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इमेज साइज पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कस्टम में यहाँ पर यूट्यूब चैनल बैनर सेलेक्ट कर लेना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो ये जो साइज आएगा, ये यूट्यूब चैनल बैनर का साइज आ जाएगा जो हम अपने यूट्यूब चैनल पर लगाएंगे। उसके बाद आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी गैलरी में से एक टेम्पलेट लेना है। यहाँ पर मैं इस टेम्पलेट को ले लेता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद राइट पर क्लिक करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको रिलेटिव साइज पर क्लिक करना है और इसको 100% कर देना है। उसके बाद आपको राइट क्लिक कर देना है। अभी जो हमारी टेम्पलेट है वो सेंटर में फिट हो चुकी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक करना है, तो आपके सामने टेक्स्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको डबल क्लिक करना है और यहाँ पर अपने चैनल का नाम टाइप करना है। उसके बाद डन पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पर हमारा चैनल का नाम आ जाएगा। उसके बाद इसके फॉन्ट को चेंज करना है। फॉन्ट को चेंज करने के लिए यहाँ पर ए पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ए बी पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो मीम फॉन्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर ये मीम फॉन्ट है, इसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। तो हमारा जो फॉन्ट है ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद में इस नाम को आप इस तरह से ड्रैग कीजिए और यहाँ पर इसको सही तरीके से सेट कर दीजिए, जैसे मैंने किया है। उसके बाद में आपको फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना और यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करना है। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर इसमें आप अपने चैनल का स्लोगन लिख सकते हैं या फिर इसमें हम सब्सक्राइब नाउ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सब्सक्राइब नाउ लिख दूंगा, तो यहाँ पर मैं सब्सक्राइब नाउ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सब्सक्राइब नाउ लिख दिया और डन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो है नाम सब्सक्राइब नाउ स्लोगन बन गया है। उसके बाद में इसके फॉन्ट को चेंज करना है। फॉन्ट को चेंज करने के लिए ए पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ए बी पर क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पर आप इस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। सबसे नीचे यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर ये अरबी फॉन्ट है, इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ओके करना है और यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से इसके नीचे सेट कर देना है। उसके बाद इसके साइड में हम डैश डैश लगा देंगे, जिससे ये अच्छा दिखे। तो यहाँ पर मैं डैश लगा देता हूँ, मैंने चार चार डैश दोनों तरफ लगा दिए। उसके बाद डन पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं और यहाँ पर इसके साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेंगे और इसको सेट कर देंगे। साइज़ को छोटा करने के लिए आपको यहाँ पर ए पर क्लिक करना है और यहाँ पर टी पर क्लिक करना है और इसके साइज़ को थोड़ा कम कर देंगे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसका साइज सेट कर दिया है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको लगा लेना है। उसके बाद में आपको फिर से टेक्स्ट पर क्लिक करना है और टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर लिखना है फॉलो एट, फॉलो और एट द रेट। तो यहाँ पर इसको डन पर क्लिक करना है, ओके कर देना है। तो इसको यहाँ पर लेकर आना है, इसको भी हम बोल्ड कर देंगे और इसको भी हम बोल्ड कर देंगे। सब्सक्राइब नाउ को भी बोल्ड कर देंगे और फॉलो एट को भी बोल्ड कर देंगे। तो बोल्ड करने के लिए इसको हम ए पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर बी पर क्लिक करेंगे, तो ये बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद में हमें यहाँ पर फॉलो एट द रेट को भी बोल्ड करना है, बी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बोल्ड कर देंगे, तो ये बोल्ड हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पर सोशल आइकन इंसर्ट करेंगे, उसके लिए प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ पर फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम जो सोशल मीडिया आइकन है उनको ले लेंगे। तो यहाँ पर ये सोशल मीडिया आइकन पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर ये सोशल मीडिया आइकन आ गया। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सोशल मीडिया आइकन है ये ब्लैक कलर के हैं, तो इनका कलर चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो है सेव कलर है इस पर क्लिक करना है और इसको एनेबल कर देना है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रेड आ गया है, तो यहाँ पर हम इसको वाइट कर लेंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये थोड़ा बड़े हैं, इनको थोड़ा सा छोटा करना है जो यहाँ पर ये सेट हो जाए। तो गाइज आपको ये सोशल आइकन को फॉलो एट द रेट के सामने कुछ इस तरीके से सेट करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद में आपको इन फॉलो सोशल आइकन है जो इन पर क्लिक करना है, उसके बाद फॉलो एट द रेट पर क्लिक करना है, दोनों को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर इसको इस पर क्लिक करके मर्ज कर देना है और ओके पर क्लिक करना है। तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे और ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको इस तरीके से इसको सेट करना है और यहाँ पर इसको थोड़ा और छोटा कर देना है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको सेट कर दिया है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये बॉक्स हैं जो इसको चेक कर लेना है यानी टिक कर देना है। सिर्फ टेम्पलेट को नहीं करना है, टेम्पलेट को छोड़ देना है, बाकी जो तीन हैं इनको चेक कर लेना है यानी टिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर मर्ज पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीनों मर्ज हो गए हैं और उसके बाद आप इसको सेंटर में सेट कर दीजिए कुछ इस तरीके से। तो गाइज देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया है, आपको भी इसी तरीके से सेंटर में इसको सेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। तो गैलरी में से आपको यहाँ पर ये जो फ्रेम है इसको ले लेना है। इस फ्रेम को लेने के बाद में आपको यहाँ पर अपना जो इमेज है या लोगो है उसको लेना है। तो उसके लिए प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। यहाँ से हम अपना लोगो या फोटो लेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना फ़ोटो ले लेता हूँ, आप लोगो भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फ़ोटो ले लिया है और उसके बाद में आपको यहाँ पर राउंड पर क्लिक करना है तो ये गोलाकार में हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से छोटा कर लेना है, यहाँ पर आप देखिए। और उसके बाद राइट टिक करना है तो यहाँ पर जो हमारा जो इमेज है वो इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको हमें थोड़ा छोटा करना है और छोटा करने के बाद आपको इसमें इसको इस तरीके से फिट कर देना है। तो गाइज कुछ इस तरीके से इसको सेट कर देना है। सेट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद इनको मर्ज कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो ये दोनों मर्ज हो गए हैं, अब इनको हम छोटा कर सकते हैं। और इस तरीके से छोटा करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से इसको सेट कर देना है सेंटर में, आपको यहाँ पर इस तरीके से सेट करना है। तो ये हमारा सेट हो गया है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा करना है और यहाँ पर अपना जो नाम है यहाँ पर लिख सकते हैं या YouTube का लोगो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो उसके लिए प्लस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना जो नाम है वो लिख सकते हैं, जैसे कि मैं अपना यहाँ पर नाम टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना नाम टाइप कर दिया, ओके पर क्लिक करेंगे तो इसके फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट को चेंज करने के लिए ए पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर ए बी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ये फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है जो मैंने पहले बताया था। ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल जो है बोल्ड कर देना है इसको थोड़ा। फिर राइट पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर थोड़ा साइज बढ़ा देंगे, साइज पर क्लिक करेंगे और इसको बड़ा कर देंगे और इसको कुछ इस तरीके से आपको सेट कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस नाम को सेट कर लिया है। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद में आपको इस पर क्लिक करना है और इस नाम को और इस शेप को हम यहाँ पर मर्ज कर देंगे। उसके लिए फिर इस पर क्लिक करना, ओके कर देना है। तो यहाँ पर इसको फिर छोटा करेंगे और उसके बाद इसको यहाँ पर इस तरीके से सेट कर देना है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने सेट कर दिया है, आपको भी कुछ इस तरीके से इसको सेट कर लेना है। उसके बाद में आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है और यहाँ से इस इफेक्ट को ले लेना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इफेक्ट आगे हैं लेकिन इनका कलर वाइट है, हमको इसको ब्लैक करना है। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कलर पर क्लिक करना है, इसको एनेबल कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट रेड आएगा तो आपको यहाँ पर इसको ब्लैक कर देना है और राइट क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा छोटा करेंगे और कुछ इस तरीके से इसको छोटा करके यहाँ पर हम सेट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने कर दिया है। तो इसको इस कॉर्नर में सेट कर देना है। उसके बाद इसकी एक कॉपी बनानी है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको इसके कॉपी का आइकन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद आपको कॉपी पर क्लिक करना है। कॉपी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक रोटेट का ऑप्शन और मिलेगा, तो यहाँ पर रोटेट पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो एंगल है इसको बढ़ाकर 180 डिग्री कर देना है। तो यहाँ पर ये इस कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इसको कुछ इस तरीके से सेट करना है और यहाँ पर थोड़ा सा इसको इधर की साइड कर देना है ताकि जो हमारा नाम है अच्छी तरीके से दिखाई दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर उसके बाद राइट क्लिक करना है और ये सेट हो गया है। उसके बाद में आपको यहाँ पर फिर से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है,
फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पीछे का जो बैकग्राउंड है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये बैकग्राउंड लिया हुआ है। इसके बाद राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद में इस बैकग्राउंड को आपको कुछ इस तरीके से ड्रैग करना है और ड्रैग करने के बाद इसको यहाँ पर इस तरीके से नीचे की तरफ भी ड्रैग कर देना है, यहाँ पर इस तरह से, और इसको सेंटर में कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो गाइस कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पर आप सेट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर यह सेट कर दिया है। उसके बाद में आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और इसको सेलेक्ट कर लेना है, और इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको सबसे नीचे ले आना है। तो उसके बाद में जो हमारा जो बैनर है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर आप इसकी लुकिंग देख सकते हैं। तो गाइस जो हमारा चैनल आर्ट है वो बनकर रेडी हो गया है। अब इसको हम अपनी गैलरी में सेव कर लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी एलिमेंट्स मैंने इसमें यूज किए हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना चैनल आर्ट बना सकते हैं। तो गाइस इसको सेव करने के लिए सबसे पहले हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव एज ए इमेज कर लेंगे, और यहाँ पर क्वालिटी जो है PNG कर लेंगे या JPG कर लेंगे। तो हम JPG सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर ये डायमेंशन है जो, इसको हम अल्ट्रा पर क्लिक कर लेंगे ताकि इसकी क्वालिटी अच्छी आए। उसके बाद में यहाँ पर सेव टू गैलरी पर क्लिक कर लेंगे। तो गाइस हमारा जो बैनर है ये हमारी गैलरी में सेव हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर हम इस चैनल आर्ट को अपने यूट्यूब चैनल पर सेट करके दिखाता हूँ आपको कि ये कैसा लग रहा है। पहले मैं इस चैनल आर्ट को यूज़ कर रहा था, अब इसको हटाकर उसको यूज़ करेंगे। तो उसके लिए अपने चैनल पर आने के बाद यहाँ पर पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर कैमरे के आइकन पर क्लिक करना है और चूज फ्रॉम योर फोटोज पर क्लिक करना है। यहाँ से उस चैनल आर्ट को ले लेंगे जो अभी हमने बनाया है अपनी गैलरी में से। तो उसके बाद में यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा, दोनों उंगली और अंगूठे से इसको ड्रैग करना है और कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पर सेट कर देना है। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा चैनल बैनर है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसी नई नई वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।